तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। और ये वीडियो टर्मेस कस्टमाइजेशन की वीडियो नंबर 2 होने वाली है। आई होप सो कि आप लोगों ने वीडियो नंबर 1 को देखा होगा और उसको देख करके आपको बहुत ज़्यादा मजा आया होगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग ध्यान से देख लो, आई बटन के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आ रही होगी, आप लोग जा करके वहाँ पे उसको देख सकते हो। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग टर्मेक्स के अंदर ऊपर जो टेक्स्ट बैनर आता है ना, उसे कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब भी आप टर्मेक्स को ओपन करते हो, वेलकम टू टर्मेक्स वाला सेक्शन ये हमेशा आता है और ये काफ़ी अजीब सा अनोइंग लगता है कि नहीं। तो हम लोग आज सीखेंगे कि इसको कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है और आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हम लोगों ने एक कमाल का प्रॉम्प्ट बना रखा है। ये प्रॉम्प्ट मैंने वीडियो नंबर 1 में कैसे बनाते हैं ये सारी चीज़ें क्लियर की थी। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इस बैनर को हटाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, CD, ठीक है, CD स्पेस डॉट डॉट, ओके। आप लोगों ने इतना लिखा, सिंपल से एंटर कर दीजिए। जैसे ही आप लोग एंटर करोगे, आप लोग इस जगह पे आ जाओगे, ठीक है, CD स्पेस डॉट डॉट, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, LS, ठीक। जैसे ही आप लोग LS करके एंटर करोगे, यहाँ पे 2 सेक्शन आएंगे। आपको वापस से कहाँ जाना है, CD USR, ठीक है, इसके अंदर आपको जाना है। सिंपल से आप एंटर कर दीजिए और वापस से आपको एक बार LS करना है, ठीक है। मैंने वापस से LS किया, यहाँ पे काफ़ी सारी फाइल्स आ रही हैं। अभी हमें क्या करना है, CD ETC, ठीक है, CD ETC करेंगे हम लोग और सिंपल से हम लोग एंटर कर देंगे। हम लोग ETC के अंदर आ गए। अभी मैं LS करता हूँ और एंटर करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी हम लोगों को फाइल्स देखने को मिल रही हैं, ओके। अभी यहाँ पे आप लोगों को सिंपल से एक फाइल को रिमूव करना है और आपका जो काम है वो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सी फाइल को रिमूव करेंगे। सिंपल से मैं लिखूंगा RM, ओके, आप लोग भी सिंपल से RM लिखिएगा। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाली जो फाइल है MOTD, ये जो फाइल है ना, इसे हम लोगों को रिमूव करना है। कैसे करेंगे, MOTD यहाँ पे हम लोगों ने नाम लिखा और उसके आगे हम लोगों ने कौन सा कमांड लिख रखा है, RM। जैसे ही हम लोग अब इंटर करेंगे तो ये जो फाइल है हमारी बहुत ही अच्छे से हट जाएगी। और अगर मैं CD करके सिंपल से अपनी मेन डायरेक्टरी में आ जाऊं तो अब हम लोगों का काम कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग एक बार टर्मेक्स को रिस्टार्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। मैं सिंपल से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं टर्मेक्स को फोर्स स्टॉप करता हूँ, ओके। सिंपल से मैंने फोर्स स्टॉप किया और मैं वापस से टर्मेक्स को ओपन करता हूँ। और जैसे ही मैं टर्मेक्स को ओपन करूँगा, इस बार आपको यहाँ पे कोई भी बैनर देखने को नहीं मिलेगा। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि कैसे आप लोग टर्मेक्स का बैनर हटा सकते हो। हम लोग अब अगली वीडियो के अंदर देखेंगे कि हम लोग टर्मेक्स के अंदर अलग अलग टाइप के फॉन्ट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, प्लस ये जो बैकग्राउंड का कलर है ना, इसे भी हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। और आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग कस्टम बैनर्स को बनाना भी सीखेंगे। तो भाई आप लोग इस प्लेलिस्ट के साथ बने रहिएगा। आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो में मजा आया होगा। अगर इस वीडियो में मजा आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में। हेलो, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोज पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।